नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुग्गल आज दोबारा आप सभी के सामने लाइव आया हूँ। और हमारा जो ध्यान है वो इस प्रकार है कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं, आध्यात्मिक से रिलेटेड, रीकी से रिलेटेड, एंजल से रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे कि आज इस सेशन के माध्यम से उन सभी सवालों का हम जवाब दें। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वो आज इस सेशन के दौरान समाप्त हो जाए और आप और तरक्की की तरफ बढ़े। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो? तभी इस सेशन को आगे बढ़ाने का फायदा है। दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके किस तरह बताएं कि क्या आप सब भी मुझे सुन पा रहे हैं। आज हमने ये सेशन, लाइव सेशन स्पेशल आप सभी के लिए किया, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था बहुत से लोगों के बहुत से ऐसे सवाल, कुछ छोटे सवाल, कुछ बड़े सवाल, मगर सभी के सभी इम्पॉर्टेंट सवाल। उन सभी सवालों को आज हम कोशिश करेंगे कि समाधान कर पाएं, बिकॉज बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसे होता है कि जब हम किसी सवाल में होते हैं तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जी दोस्तों, तो इस लाइव सेशन में सवाल लेते हैं। हमारे पास बहुत से आप सभी के सवाल अवेलेबल हैं और होप सो जिनके भी सवाल मेरे पास हैं वो भी सेशन को देख रहे हों या उन तक ये सेशन एज सून एज पॉसिबल पहुँचे, ताकि उनके मन में जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए। दोस्तों, युवराज गुप्ता जी पूछते हैं कि क्या रेकी बेस्ट है या हीलिंग? युवराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेकी और हीलिंग लगभग एक ही चीज़ है। रेकी एक थेरेपी का नाम है और हीलिंग का मतलब होता है उपचार करना। तो रेकी एक उपचार करने की पद्धति है, ऐसे ही बहुत सारे हीलिंग पद्धतियां हैं। और अगर हम बात करें रेकी हीलिंग बेस्ट है तो मुझे तो यही लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरे हिसाब से रेकी सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट है सभी के लिए, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो। ऐसे ही दोस्तों, रेणु जी पंजाब से पूछती हैं, क्या रेकी से पहले एंजल सीख सकते हैं? रेणु जी, वैसे आप सीख तो सकते हो एंजल पहले, मगर मेरी एडवाइस है कि आप पहले रेकी सीखें और फिर एंजल थेरेपी सीखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज जब हमें बेसिक्स पता होते हैं तो हम एडवांस चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। मगर फिर भी जो लोग काफ़ी टाइम से आध्यात्म में हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से मेडिटेशंस कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से उनके अच्छे कनेक्शंस हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं, वो डायरेक्ट भी कोशिश करें एंजल सीखने के लिए तो भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर फिर भी अगर रेकी सीखने के बाद एंजल सीखा जाए तो आप आसानी से एंजल थेरेपी को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और बहुत ही जल्दी, शायद सीखते सीखते दो ही दिन में आप उसके रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। क्या एंजल थेरेपी से आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है? भागीराम जी राजस्थान से। जी दोस्तों, एंजल्स आपको मदद करते हैं आपकी फाइनेंशियल परेशानियों को सॉल्व करने के लिए और बहुत ही आसानी से। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आपके राजस्थान में ही एक लेडी का फ़ोन हमारे पास आया और बहुत अच्छी प्योर लेडी थी, बहुत भगवान को मानती थी। एंजल थेरेपी सीखने के लिए उनके पास कुछ फाइनेंशियल इशू थे, तो वहाँ पे हमने उनको बताया कि आप बस भगवान से प्रार्थना करें कि अगर एंजल थेरेपी आपके लिए सही है तो आपके लिए रास्ता खोले, पैसों का इंतज़ाम करें। उन्होंने बताया कि उनकी भाभी के थ्रू उनको ऑटोमेटिकली मदद मिल गई और वो एंजल थेरेपी सीख पाए। दोस्तों, इसी तरह एंजल्स सिर्फ सीखने के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए
आपके काम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर चीज़ में एंजल्स आपको मदद कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच गलत है, इंटेंशन गलत है, तो शायद आपको मदद ना भी मिले। क्या रेकी का दूसरा लेवल सीधे सीखा जा सकता है? रेकी के पहले और दूसरे लेवल में क्या अंतर है, सारिका जी ने पूछा है। जी, जैसे हम पहले 10th करते हैं, 11th करते हैं, फिर 12th करते हैं, इसी प्रकार से अगर पहले रेकी फर्स्ट लेवल करें, सेकंड लेवल करें, तो आपको सेकंड लेवल अच्छे से समझ आ पाएगा, आप अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाओगे अपने लिए और दूसरों के लिए। आप डायरेक्ट अगर सेकंड के लिए सोचें तो ये मुश्किल हो सकता है। जैसे डायरेक्ट आप 12th पढ़ाई करें तो आपको 12th पास करनी मुश्किल हो सकती है। इसी प्रकार पहले और दूसरे लेवल में इन्होंने पूछा है क्या अंतर है, तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा। वैसे बहुत से अंतर हैं, जिसको इस सवाल का जवाब लाइव वीडियो में देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मगर सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि रेकी फर्स्ट लेवल सीखने के बाद आप डायरेक्ट हीलिंग सीखते हो, आप 1-to-1 सेशन सीखते हो। कोई भी इंसान अगर आपके सामने है, आपके घर में है, आपकी नज़रों के सामने है, तो रेकी फर्स्ट लेवल के बाद आप उन लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो। रेकी सेकेंड लेवल सीखने के बाद जो लोग आपकी आंखों से दूर हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हो, घर से बाहर हैं, आपकी सिटी से बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, तो आप सेकेंड लेवल सीख के उनको भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हो। सर, मुझे 1111 और 3333 नंबर दिखते हैं, पंख मिलते हैं, इसका क्या मतलब है? सूरज जी जयपुर से। जयपुर से सूरज जी सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ नंबर्स बार बार दिखते हैं और एंजल्स के कुछ साइन फैदर मिलते हैं। सूरज जी, बहुत अच्छा ये साइन है आपके लिए। कुछ पॉजिटिव एनर्जीज जिनको हम एंजल्स कहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, शायद आपको मदद करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए वो नंबर्स की मदद से आपसे बात करना चाहते हैं। सूरज जी, अगर आप ये नंबर्स की साइंस या एंजल थेरेपी सीख लेते हैं तो शायद आप उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे जिस लैंग्वेज के थ्रू वो डिवाइन बीइंग्स जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो हमसे बात करते हैं। तो एंजल थेरेपी में उस बारे में सिखाया जाता है, तो वहाँ पे नंबर्स के थ्रू मदद करते हैं, वो फैदर्स के थ्रू, और हज़ारों प्रकार के साइन होते हैं, बहुत सी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू एंजल्स हमें मदद करना चाहते हैं, हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, इंट्यूशन देना चाहते हैं। सर, एंजल थेरेपी को सीखने से कोई नुकसान होगा? सैफ जी, ये सैफ जी हैं जो पूछ रहे हैं कि एंजल थेरेपी से क्या कोई नुकसान हो सकता है। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ सैफ जी को कि एंजल थेरेपी से नुकसान कोई नहीं होता, मगर मैं बहुत बार ये चीज़ देखता हूँ कि क्लास के अंदर आपको सिखाया कुछ जाता है और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप इग्नोर कर देते हो, सुनते नहीं हो, या वो प्रैक्टिस में नहीं लाते, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपने टीचर को अच्छे से फॉलो करोगे, उसने जो सिखाया उसको समझोगे अच्छे से, तो कभी नुकसान नहीं हो सकता। हमें बहुत साल हो गए एंजल थेरेपी सिखाते हुए, अभी तक तो हमने कोई ऐसा केस नहीं सुना कि किसी को नुकसान हो। इतना होता है कि आपकी प्योरिटी के हिसाब से, आपकी इंटेंशन के हिसाब से एंजल्स आपसे उतने अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं जितने प्योर आप हो, जितनी शिद्दत से आप उनको याद करते हो। यहाँ पे काव्या खन्ना जी का सवाल है, गुरु जी, क्या आप आउट ऑफ स्टेशन के लिए क्लासेस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हो? काव्या जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूं, हम आउट ऑफ दिल्ली बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह हमारे क्लासेस होती हैं, हम राजस्थान में, जयपुर में, हम महाराष्ट्र बॉम्बे में, पुणे में, इवन की यूपी में, इटावा और बैंगलोर में, कई जगह जाते हैं। मगर काव्या जी, हम जाते वही हैं जहाँ ग्रुप क्लास हो, जहाँ ग्रुप अवेलेबल हो, फिर 1-2-5 लोगों के लिए हमारा जाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतना एक्सपेंस हो जाता है कि हमारी टीम के अगर 2-4 लोग कहीं जाएंगे तो
उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़्यादा लग रहा है और हर चीज़ से नुकसान ही है। वहीं हम कोशिश करते हैं कि अगर जिस स्टेट में, जिस जगह में, जिस शहर में हमारे हमें ज़्यादा स्टूडेंट मिलते हैं, उस शहर में हम ज़्यादा जल्दी जाते हैं, फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं। कहीं पे 2 लोग होंगे तो शायद हम साल बाद जाएं, मगर कहीं 20 लोग होंगे तो शायद हम अगले ही हफ्ते चले जाएं। तो हम आउट ऑफ दिल्ली बहुत जगह जाते हैं। यहाँ पे SK आर्या जी पूछ रहे हैं कि पेट की समस्या के लिए रेकी कब, कहाँ, कैसे कर सकते हैं। SK आर्या जी, पेट की समस्या बहुत वजहों से हो सकती है। गलत खाना पीना, रहन सहन, बाहर का खाना टाइम से ना खाना, या आपका डाइजेस्ट नहीं होना, या खाते ही सो जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेट से बिलोंग करती है। जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो हमारी किडनी से, लीवर से, और बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आपकी समस्या का मेन कारण क्या है, आपको पहले आप अपनी रिपोर्ट्स करा लें, चेक चेक करा लें कि किस वजह से आपको पेट में समस्या है, क्या पर समस्या है। या आपको पता है तो डिटेल में हमें बताएं। बाकी पेट की कोई भी समस्या हो तो हम जब मणिपुर चक्रा, सोलर चक्रा और स्वाधिष्ठान चक्रा को हील करते हैं, या स्टमक के पार्ट को हील करते हैं, तो उससे भी पेट की समस्या ठीक हो सकती है। इसके अलावा हम जब पानी को चार्ज करके पीते हैं उससे भी पेट की समस्या ठीक होती है। हम क्रिस्टल वाला पानी यूज़ करके भी अपने पेट की समस्या ठीक कर सकते हैं, और बहुत सारे उपाय हो सकते हैं पेट की समस्या को ठीक करने के लिए। PK आर्ट्स, महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश, हम महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश के नज़दीक रहते हैं, आप यहाँ एंजल थेरेपी कोर्स कराएं। जी PK आर्ट्स, आपका क्वेश्चन आया है, हम महाराष्ट्र में तो आते हैं मगर आंध्र प्रदेश की तरफ अगर जाएं तो मुझे अभी तक तो वहाँ की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, अभी तक हम वहाँ गए नहीं। मगर आपके वहाँ अगर कोई ऐसा बैच बने, ऐसा ग्रुप हो, तो आप हमें बताएं, हम ज़रूर आके आपके शहर में, आपके इलाके में, आपका जो भी गांव है, कस्बा है, वहाँ आके भी कराएंगे। हमारे लिए होना चाहिए कि वहाँ लोग हो, हम अगर अपने 2 4 5 दिन लगाएं कहीं तो वहाँ पे जाके लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, उतना हमें खुशी होगी कि हम कुछ ज्ञान दे पाए और उसका किसी को फ़ायदा हुआ। NK शास्त्री जी, नमस्ते गुरु जी, मेरा नाम विकास है, मैं सूरत से हूँ। मैं जब भी कोई साधना करने बैठता हूँ तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे हमेशा टाइम भी एक जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे NK शास्त्री ID से मैसेज आया है विकास जी का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साधनाएं हैं और जो हम रेकी की साधना कहते हैं वो थोड़ी भिन्न होती हैं। रेकी की जो साधना है उसमें किसी भी तरह का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, मगर जब हम दूसरी साधनाएं करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, टाइमिंग्स होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो हमें करने ज़रूरी हैं। अगर हम वो रिचुअल्स नहीं करते तब भी हमारे साथ कुछ परेशानियां आती हैं। इसके अलावा जब आप वो साधनाएं करते हो तो कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आपको रोकती है कि आप वो साधना ना करो, इस वजह से परेशानी आती है। किसी भी तरह की कोई साधना करने से पहले हम सभी के अंदर बहुत एक अच्छे लेवल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम किसी भी परेशानी से रुकेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो मैं साधना पूरी करूंगा। तो जब आप वो साधना करने के लिए बैठेंगे तो नेगेटिव एनर्जी अगर आप रोकेगी तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मदद भी करेगी। और आपने बताया है कि आपको कुछ नंबर्स दिखते हैं रिपीटेडली, तो यहाँ पे मैं आपको फिर बताऊँ कि आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं 222 777 777 1717, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, एंजल्स का साइन है, एंजल्स चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो, एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आप अगर एंजल थेरेपी सीखें तो शायद आप इन नंबर्स का मीनिंग समझ पाएंगे, एंजल का जो इशारा है, जो उनका साइन है, वो समझ पाएंगे कि वो आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि सेम ही नंबर हर इंसान के लिए अलग मैसेज दे सकता है। गायत्री नयाना जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, थैंक यू गायत्री जी। मैं रेकी और एंजल थेरेपी सीखना चाहती हूँ,
थैंक यू सो मच सर, क्या आप मैंगलोर में वर्कशॉप करा सकते हैं? जी गायत्री जी, मैंगलोर में हम बैंगलोर में तो वर्कशॉप करा चुके हैं, मगर मैंगलोर का अभी तक प्रोग्राम नहीं बना। मैंगलोर से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं वर्कशॉप के लिए, मगर अभी हमारे पास जैसे ही वहाँ पे कोई अच्छा बैच बनेगा, या आप कोशिश करें अपने आसपास अपनी सोसाइटी में अपने मोहल्ले में लोगों को बताएं, तो हम जब भी दिल्ली से बाहर जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है रेकी तो ज़रूर वहाँ कोर्स कराएं। अगर वहाँ हमारे पास रेकी के पुराने स्टूडेंट्स हैं तो हम पुराने स्टूडेंट्स को लेके एंजल थेरेपी कराते हैं। तो रेकी और एंजल ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ कराएं, मगर फिर भी अगर आपके वहाँ लोग होंगे जिनकी सोच अच्छी होगी, प्योरिटी अच्छी होगी, जो मेडिटेशन से जुड़े होंगे, तो हम रेकी भी और एंजल भी एक साथ भी करा सकते हैं। मैंगलोर में अभी इस साल तो हमारा कोई चांस नहीं है, बिकॉज अगले एक दो महीने तो हमारे बिल्कुल फिक्स हैं, क्योंकि हमने आउट ऑफ दिल्ली जहाँ जहाँ जाना है वहाँ की सब बुकिंग हो चुकी है। सरिता जी, एनर्जी एक्सचेंज क्या होती है कृपया बताएं? नवी सिंधु जी, एनर्जी एक्सचेंज का मतलब होता है, जैसे अगर आपने कभी पढ़ा हो तो हमारी पुरानी बुक्स में बताया जाता था बार्टर सिस्टम, जब मनी नहीं होती थी, मुद्रा नहीं होती थी, उस समय जिस इंसान के पास गेहूं के खेत होते थे वो अपना गेहूं दूसरे को दे देता था, उससे चावल ले लेता था, जो चावल वाला था उसको कुछ चाहिए होता था, वो अपना सामान दे के उसका सामान दे देता था। तो उसको एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं कि अगर सामने वाले को आप कुछ दे रहे हो तो कुछ ले लो, और कुछ लेना चाहते हो तो उसको देना ज़रूरी है, जिसको हम आदान प्रदान का नियम भी कहते हैं, कई बार हम उसको गुरु दक्षिणा भी कहते हैं। तो गुरु दक्षिणा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से कुछ अच्छी नॉलेज ले रहे हो, अच्छा ज्ञान ले रहे हो, तो आपको बिना मांगे बिना बोले भी उनको कुछ गुरु दक्षिणा या कोई गिफ्ट या किसी भी तरह कुछ देना चाहिए उसके बदले में। चाहे आप किसी छोटे बच्चे से भी कुछ सीखते हो या किसी बुजुर्ग से भी कुछ अच्छा प्राप्त करते हो, अच्छी नॉलेज लेते हो, अच्छा ज्ञान लेते हो, तो आप चाहे उसको कोई छोटा सा एक फूल दे दो या छोटी सी टॉफी दे दो, मगर आपको कुछ देना ज़रूर चाहिए, बिकॉज उस गुरु की, उस ज्ञान की, उस नॉलेज की रिस्पेक्ट भी तभी हो पाएगी जब आप उसकी वैल्यू करोगे, जब आप उसके प्रति कुछ दोगे। तो ये एक आदर दिखाने का तरीका होता है, रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका होता है हम सबका। केवल कृष्णा, सर प्लीज बताएं घर पर बैठकर एंजल थेरेपी कैसे सीख सकते हैं? जी केवल कृष्णा जी, घर पर बैठ के एंजल थेरेपी आप बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, बहुत जल्दी सीख सकते हैं, और जबकि घर पर बैठ के सीखना मुझे लगता है ज़्यादा ईजी है। और केवल जी बस ये जानना चाहूँगा कि अगर आपने रेकी सीखी है तो आप घर बैठ के एंजल थेरेपी सीखो, अदरवाइज पहले आप रेकी सीखो फिर एंजल थेरेपी के बारे में सोचना। इसके लिए आप ऑनलाइन हमारा एक कोर्स ले सकते हो, ऑनलाइन एक हमारा पैकेज होता है ऑनलाइन एंजल थेरेपी, जैसे आप मुझे वीडियो में अभी देख रहे हो, इसी तरह की हमने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई है जिसमें एंजल थेरेपी से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, सारी मेडिटेशन उसमें बताई गई हैं, हर सवाल का जवाब एंजल से जुड़ा उसमें बताया गया है, इवन की प्रैक्टिकल्स हैं जो हमारे यहाँ क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, कुछ अलग से इंडिविजुअल भी हमारे पास कुछ सवालों के जवाब हैं, इवन कि आपके और भी सवाल आते हैं तो हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके उस एंजल थेरेपी के प्रोग्राम में डालते हैं। जब आप ऑनलाइन घर बैठे एंजल थेरेपी सीखोगे तो पूरी वो सारी वीडियोस का जो हमारा पैकेज है वो आपको मिलेगा, हमारी तरफ से आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, जिस पासवर्ड में जाके जिस लिंक के थ्रू आप वो पूरी पूरी वीडियोस देख के सब कुछ समझ सकते हो। जो चीज़ें यहाँ होती है वही ऑनलाइन में होती है। ऑनलाइन में फ़ायदा आपको ये है कि आप कभी भी दिन में रात में सुबह शाम कभी भी वो वीडियोस देख के आप वो सब कुछ सीखो, साथ में एनलाइटमेंट होता है जिसके लिए हम आपस में एक टाइम सेट कर लेते हैं। वो टाइम सेट करने के बाद आप उस सेम टाइम पे बैठते हैं, हम उस टाइम पे यहाँ पे आपका एनलाइटमेंट करते हैं, आप वहाँ बैठते हैं, तो बहुत बार आपको भी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज, कुछ एंजल्स या कुछ अच्छा अच्छा बॉडी के अंदर आसपास सराउंडिंग फील होता है, अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जितने लोग सेंसिटिव होते हैं उतने ज़्यादा उनको अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। सर आपकी हीलिंग मशीन के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैंने रेकी लेवल 1 और 2 किया है, क्या मैं इस मशीन को सीख सकती हूँ? राजश्री जी मुंबई से, राजश्री जी
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मशीन सीखने के लिए नहीं है, ये लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। जैसे आप कोई पेन लेते हो तो चलाना नहीं सीखते, आप उसको खरीदते हो, उसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है। दूसरी बात, ये मशीन अभी जो अवेलेबल है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रेकी मास्टर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, या जो हीलिंग्स बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है हीलिंग्स के, और उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग्स करनी होती है। इस मशीन से लोग ज़्यादा मल्टीप्लाई हीलिंग्स कर सकते हैं। अगर आप मान लो 10 हीलिंग करो, आपके पास 40 हीलिंग है, तो आप इस मशीन की मदद से 40 हीलिंग बहुत अच्छे से कर लोगे। और जो आपने देखा, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स हैं, जिन लोगों ने ये मशीन को इस्तेमाल किया अब तक, उन्होंने देखा मैजिक की तरह ये काम करती है। मगर काम उसी के साथ करेगी जिसकी इंटेंशन सही होगी। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने ये मशीन लेनी थी, मगर मुझे उनकी इंटेंशन पे डाउट था कि उनकी सोच पॉजिटिव नहीं है, वो सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया। ये मशीन लोगों की मदद के लिए है, इसलिए इतने सालों की मेहनत के बाद हमने इस मशीन के बारे में अब जाके आप लोगों को बताया है। वो भी अभी हमने सिर्फ ये मास्टर्स के लिए रखी हुई है, जो मास्टर्स हैं, जो स्पेशलिटी में, जिनको काफ़ी टाइम हो गया। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो शायद आपके लिए मशीन नहीं है, या अभी तो बिल्कुल नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है हम आपको भी प्रोवाइड कराएं। आनंद कुमार जी, क्रिस्टल हीलिंग सीख सकते हैं बिना रेकी सीखे? जी आनंद जी, बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आप क्रिस्टल हीलिंग, इवन की दुनिया में हजारों लाखों लोग जो रेकी नहीं जानते, इवन की क्रिस्टल्स के बारे में भी नहीं जानते, वो भी क्रिस्टल पहनते हैं, क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, और उनको भी फायदे हो रहे हैं, चाहे वो सीखे या ना सीखे, मगर सीखने के बाद उसके फायदे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि वो एक चीज़ और 10 जगह कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार, जिस प्रकार आपने एक लैपटॉप लिया मगर आपको सीखना चलाना नहीं आता, फिर भी आप कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर आप जब सीख लेते हैं तो आप उसमें और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। मंजीत सर, मुझे 2 महीने हो गए एंजल थेरेपी, अभी तक मुझे एंजल्स महसूस नहीं हो रही। मजीद जी, पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे नहीं पता कि आपने एंजल थेरेपी सीखा कहाँ से, उन्होंने आपको क्या सिखाया, क्या प्रैक्टिस बोली है। इसके अलावा मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ जब लोग एंजल थेरेपी सीखते हैं तो उनको कुछ होमवर्क दिया जाता है, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें उनको एक डायरी बनाने के लिए बोला जाता है, कुछ अफर्मेशन है, कुछ प्रेयर्स हैं, और छोटी मोटी कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर आपने हमारे यहाँ से किया है तो आपको पता ही होगा कि जो होमवर्क आपको मिला था, आप उस होमवर्क को रेगुलर करना चालू करें। मुझे पूरा यकीन है आपको आज नहीं तो कल एंजल्स फील होंगे, पता चलेंगे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं मगर वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इवन कि आपको गाड़ी सीखनी होती है, तब भी आपको कई दिन, इवन कि कई हफ्तों और महीनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये तो फिर भी थेरेपी है, और ऐसी थेरेपी जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और आपके द्वारा और भी लोगों को, हजारों लोगों को मदद कर सकती है। तो जो होमवर्क आपको छोटा छोटा दिया जाता नहीं, उस होमवर्क में 10-20 मिनट, आधा घंटा भी नहीं लगता। आप अगर वो होमवर्क जानते हैं, आप वो करते हैं, तो आपको ज़रूर एंजल्स फील होंगे। आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो एंजल्स बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होते हैं। आप अगर किसी लालच के साथ होते हैं, आपकी सोच नेगेटिव होती है, आप रिस्पेक्ट नहीं करते एंजल्स की या अपने गुरुओं की, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पावर्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। हाँ शारदा कुमारी जी, क्या हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है रेकी से? शारदा जी, बहुत आसान है रेकी की मदद से नेगेटिव एनर्जीज को दूर करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप रेकी सीखें, रेकी फर्स्ट लेवल सीख कर भी आप नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर सकते हैं। इवन कि रेकी सेकेंड लेवल सीख के वही काम और आसान हो जाता है, और रेकी थर्ड लेवल सीखने के बाद तो आपके घर में मान लो कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, कोई साइकिक एनर्जी है, कोई डर है या कुछ है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो आपकी घर की हीलिंग रेकी सीख के, रेकी से बहुत आसानी से हो सकती है। प्रिया जी पूछते हैं, एंजल थेरेपी ऑनलाइन किस तरह से होती है? स्काइप पर तो नहीं बैठना होगा, इतना समय नहीं होता, या फिर आप क्या करते हैं? जी प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंजल थेरेपी ऑनलाइन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे आप एक मूवी देखते हो, जैसे आप टीवी पे नाटक देखते हो, जैसे कोई प्रोग्राम देखते हो, जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हो,
इसी प्रकार आप घर बैठे बैठे इवन कि मोबाइल पर, आप चाहे तो लैपटॉप पर, इवन कि आप जब भी बैठना चाहे रात को 12 बजे 2 बजे या कभी भी 24/7 जब आप अवेलेबल हो, जब आप फ्री हो, जब आप वीडियो देखते हो, ज्ञान आप ले सकते हो। उन वीडियोस में हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी दिखाए गए हैं जो यहाँ पे क्लास होती है, कैसे क्लास होती है वो सब उसमें बताया गया है, कैसे कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने बस उसको देख के उसको कॉपी करना है। उसी के अंदर मेडिटेशंस भी होंगी बहुत सारे, उसमें मैंने होमवर्क भी बताया हुआ है। उन सभी को देख के आप बहुत आसानी से घर बैठे सीख सकते हो। जबकि ऑनलाइन सीखने में एक फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन में लिमिट नहीं है हमारे पास, अनलिमिटेड हम आपको ज्ञान दे सकते हैं। आप जब हमारे यहाँ सीखने आते हो तो हमारे पास लिमिट होती है 8x16 घंटे की। लगभग 16 घंटे में हमें कोर्स ख़त्म करना होता है। 16 घंटे में कोर्स ख़त्म ना हो तो लोग लेट होना शुरू हो जाते हैं, जो आउट ऑफ दिल्ली से आए होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। मगर जब आप ऑनलाइन सीखते हो तो आपको 8x16 नहीं 24 और 32 घंटे की वीडियोस भी मिलती हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। और वो वीडियोस अपडेट होती रहती है, आप हर महीने देखोगे, कुछ पुरानी वीडियोस हट गई, कुछ नई वीडियोस आ गई, और बेटर वीडियोस आ गई, और ज़्यादा डिटेल में वीडियो आ गई, और अच्छे एक्सपीरियंस आ गए, बहुत कुछ। सुमित जी महाराष्ट्र से, मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या मैं रेकी सीख सकता हूँ? सुमित जी, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन के मेरी बात समझ सकते हैं तो आप रेकी सीख सकते हैं। बिकॉज़ रेकी में पढ़ाई लिखाई कहीं कोई काम नहीं आती, पढ़ाई लिखाई की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई लिखने पढ़ने वाली बात नहीं है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से बात करते हैं, मत्था टेकते हैं, तो उसके लिए पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरा मानना यह है कि अनपढ़ इंसान ज़्यादा अच्छे से रेकी सीख सकता है, रेकी कर सकता है, बिकॉज वो लॉजिक नहीं लगाता, उसका लॉजिक नहीं होते। पढ़ा लिखा इंसान, आप देखो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान होते हैं उनको रेकी समझ नहीं आती, उनको एक्सपीरियंस नहीं होते, उनको एंजल्स नहीं दिखते। अनपढ़ इंसान को फर्स्ट एंजल्स दिखते हैं, एंजल्स से बात करते हैं और हर सवाल का जवाब, एंजल्स उनको बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं और हर चीज़ में मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि लॉजिक नहीं लगाना और पढ़ाई लिखाई का यहाँ कोई काम नहीं है रेकी में, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में। यहाँ सिर्फ एक अच्छी सोच, एक अच्छी इंटेंशन की ज़रूरत है बस। लोकेश प्रजापति जी, नमस्कार सर, मुझे आपकी तरह बनना है, वाह जी वाह, मगर मेरा बजट नहीं है मैं बार बार दिल्ली आ सकूं, इतने पैसे लगा सकूं। सर क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम है मैं वहां के कोर्स भी कर लूं, प्रैक्टिस भी कर लूं और खर्चा भी ना लगे? लोकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज कि जब हम लोग आपके कोर्स करा रहे होते हैं तो आपको जितना दिखता है उतना नहीं होता। हमारे पूरे महीने की मेहनत होती है, हम अकेले नहीं होते, हमारे पीछे बीसियों लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और बहुत से एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिस वजह से हम चाह के भी ये कोर्स फ्री में नहीं करा पाते। इसके बावजूद भी हमने पिछले 10 सालों से ज़्यादा में बहुत से ऐसे फ्री कैंप्स लगाए हैं। आप पूछ रहे हैं कि आप यहाँ आके सीख भी लें, प्रैक्टिस भी कर लें। जी हाँ, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर जो कुछ एक्सपेंस है, जो बेसिक एक्सपेंस है, जो बेसिक खर्चा है आपके रहने का, खाने पीने का, किताबें, सीडी, कोर्स मटेरियल, मेडिटेशन और जो सब कुछ है वो बेसिक है। और आप देखें तो पूरी दुनिया में देखें यही कोर्सेज के जो प्राइजेस हैं वो हज़ारों से लाखों रुपए तक है। और आध्यात्मिक विकास मिशन में आपको बहुत, सिर्फ जितना हमारा खर्चा होता है उसके आसपास ही हम आपसे पैसे लेते हैं, और अगर आपसे ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं तो उसको किसी अच्छे काम में ही लगाए जाते हैं। बाकी लोकेश जी, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए एक बार, हमें अगर आपकी कुछ और भी मदद कर पाए तो ज़रूर मदद करेंगे हम, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो करेंगे, मगर बिल्कुल फ्री मत सोचिएगा। बिकॉज जो बेसिक एक्सपेंस हमारा आता है वो आपको कहीं ना कहीं वो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पुणे से सवाल आया, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, क्या मेरे किस मैं रेकी सीख सकता हूँ, क्या मेरे साथ काम करेगी रेकी? जी मार्शला जी नाम है इनका, मार्शला जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप किसी धर्म को नहीं मानते, मगर अगर आप एक शक्ति को मानते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो, आप रेकी सीखो, रेकी आपके साथ काम करेगी। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेकी के लिए एक अच्छी इंटेंशन की ज़रूरत है, एक अच्छी सोच की ज़रूरत है,
इसमें किसी भगवान का नाम नहीं होता, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से बिलोंग करो, बिकॉज जब आप रेकी सीखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा, आपको यहाँ एक ऐसी साइंस के बारे में बताया जाता है जिस साइंस का अनजाने में आप बचपन से यूज कर रहे हो, मगर अभी तक आपको कोई बताने वाला नहीं था जो उस साइंस को एक्सप्लेन कर पाए। तो आपको खुद को यहाँ आके रेकी सीख के बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ ऐसी बातें जो आप इतने टाइम से यूज़ कर रहे थे मगर आप किसी से उस बारे में सवाल नहीं पूछ सकते थे, आपको नॉलेज नहीं थी, या लोग उसी बात को धर्म से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें भगवान की कहीं ज़रूरत नहीं है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप उसी को भगवान कह सकते हो, एक ऐसी शक्ति जो हम सबको चला रही है, ठीक है। इसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात हम नहीं कर रहे हैं और हमें कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी भगवान को मानो या मत मानो, किसी भी गुरु को मानो या मत मानो, रेकी सीख के आपका गुरु आपका भगवान चेंज नहीं होता। बस एक अच्छी इंटेंशन होनी चाहिए, उस इंटेंशन की मदद से आप अपना और लोगों को भला कर सकते हो। रजनी जी राजस्थान से, क्या EFT का कोर्स 500 का ही होता है हमेशा? जी रजनी जी, मैं आपको बताऊं, ये कोर्स हमेशा 500 का नहीं होता, कभी कभार पॉसिबिलिटीज होती है, हमारी सेवा की इच्छा होती है या हम उस समय कर पाते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम सेवा के रूप में 500 रुपीज़ का कोर्स कराते हैं। इसके अलावा आई होप सो आप वेबसाइट पे देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, इस कोर्स की फीस 3100 रुपीज़ है। 3100 रुपीज़ का जो कोर्स होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोर्स मटेरियल्स या वीडियोस मेडिटेशन या जो भी सामान है वो एक्स्ट्रा मिलता है। कहीं ना कहीं 500 वाले कोर्स में सिर्फ कोर्स होता है जिसमें आप देख के सीख के समझ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हर बार नहीं होता, ये साल में कोई 2-4 बार इस तरह के कैंप्स होते हैं, जो हमने लगभग पिछले 1 महीने से ज़्यादा हमने इस तरह के बहुत सारे कैंप्स लगाए और अब ये शायद नेक्स्ट ईयर लगेंगे, बिकॉज अगले 2-3 महीने हमारे बिल्कुल पैक हैं, हमारे कोर्सेज बिल्कुल डन है कि इस महीने कहाँ कहाँ कौन कौन सा कोर्स हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि कभी भी इस प्रकार के कोर्स होते हैं जब हम एबल होते हैं कि हम थोड़ी सेवा कर पाएँ आप लोगों की, हमारे पास ऐसी टाइम सिचुएशंस होती हैं, तो ऐसे में आप सभी ये कोर्सेज किया करें। और हर बार सेम कोर्स नहीं होता, हर बार एक चीज़ नहीं होती, और हर बार अगर सेम भी EFT कोर्स दोबारा भी कभी 500 में होगा तो वो भी सेम नहीं होगा, उसमें भी कुछ नया कुछ अलग, हमारे हर कोर्स में कुछ नया सिखाया जाता है। तो मैं इस बारे में कहूँगा कि हमेशा 500 का नहीं होता, हो सकता है अगली बार ये ज़्यादा का हो या कम का हो ना हो, कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि जिस चीज़ के लिए लोग हमारे पास आते हैं, जो चीज़ लोग चाहते हैं हम उस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं, हम वो सिखाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। मिथलेश जी अरुणाचल प्रदेश से, मैं गरीब हूँ, एंजल थेरेपी की फ़ीस नहीं भर सकता, मैं क्या करूँ? देखो रेश जी, एक नॉर्मल सी बात, देखो सबकी अपनी सोच होती है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, हमारी जो फीस आज की डेट में वो इतनी रिजनेबल है कि मुझे लगता है कि एक जो गरीब से गरीब इंसान है, जो रिक्शा चलाने वाला इंसान है या जो जॉब करने वाला इंसान है, वो भी वो फीस पे करके ये कोर्स सीख सकता है। दोस्तों हम जब बात करते हैं कि हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, एक बच्चे को हम शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ाते हैं, 12 साल उसकी स्टडी होती है, फिर उसका कॉलेज होता है, फिर मास्टर्स होता है ना, उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितने साल लगाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, कितनी मेहनत लगाते हैं, फिर भी कभी कभार हमें पता चलता है कि 15 साल की पढ़ाई के बाद भी बच्चा सेटल नहीं हुआ, वो खुश नहीं है या उसके पास समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं। यह एक छोटा सा अमाउंट लगा के आपकी लाइफ बदल सकती है दोस्तों, छोटा सा अमाउंट, और बहुत ज़्यादा नहीं है। हम आपकी मदद कर सकते हैं कि अगर वो आप अमाउंट नहीं पे कर पा रहे तो आपको जो सामान दिया जा रहा है आप वो सामान ना दें, और सामान के हिसाब से आपका अमाउंट कम हो जाएगा। आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप वो किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में भी वो कर सकते हो, आपको हिसाब से इंस्टॉलमेंट में ये कोर्स करा दिया जाएगा, मगर ये कोर्स करने से आपको बहुत फायदे होता है। अगर आप सोच भी रहे हो कि एंजल थेरेपी आप कर रहे हो, तभी से एंजल्स आपको मदद करना शुरू कर देते हैं, एंजल्स आपको गाइड करते हैं, वो रास्ता बनाएंगे कि आप एंजल थेरेपी तक पहुंचो। आप अगर नेगेटिव हो, आप अगर सोचो मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो शायद एंजल्स आपको मदद करना छोड़ दें। अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे सीखना है, जाना है, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, तो एंजल्स ऑटोमेटिकली आपके लिए पैसों का इंतजाम भी कर दें, चाहे वो आपकी लॉटरी लगे, आपको वहीं से उधार मिले, कहीं पर आपको गिरे हुए पैसे मिल जाएं, या कुछ भी। चंद्रा पूना से, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता,
अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने फर्स्ट सेकंड लेवल किया है रेकी। हाँ चंद्रा जी, ये जो समस्या है सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम सभी की समस्या है। इवन कि मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होता है कि इनका ट्रैवलिंग टाइम इतना हो जाता है ऑफिस में काम और सब कुछ संभालने में कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो मैं ऐसे में कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने रेकी में पूरा प्रोसेस एक ही बार में करना है, आप उसको किस्तों में कर सकते हो। आधा घंटा सुबह कर लिया, आधा घंटा शाम को कर लिया, या 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर को, 20 मिनट शाम को। इसके अलावा भी आप रेकी थर्ड लेवल जब सीख लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग का टाइम कम हो जाता है। आप रेकी सेकंड लेवल सीख के जब हीलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा शायद आपकी बॉडी पार्ट्स में जो हीलिंग जा रही है वो 3 से 4 मिनट ले रही है, और रेकी थर्ड लेवल के बाद जब आप हीलिंग करोगे तो हीलिंग का फ्लो फास्ट हो जाएगा, वही हीलिंग 2 मिनट में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा आप रात को सोते समय रेकी कॉल करके रेकी हीलिंग करते हुए सो जाओ, वो भी आपको पूरी रात पॉजिटिव एनर्जीज मिलती रहती है। इसके अलावा आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, इवन कि रास्ते में, मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, ड्राइव करते हुए कभी भी हीलिंग कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। रेकी में कहीं कुछ मुश्किल नहीं होता, आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, रेकी आपके साथ काम करती है, आपको मदद करती है। संगीता केडिया जी, थैंक यू एंजल्स, मेरे खोए हुए पैसे मुझे आसानी से वापस मिल गए मात्र 2 घंटे में। थैंक यू एंजल्स, एंजल्स ने मुझे मदद की। वाओ संगीता जी, एंजल्स बहुत मदद करते हैं और आपको मदद कर रहे हैं और सभी को मदद कर रहे हैं, बस आपको मदद लेनी है एक रिसीवर बनके। थैंक यू एंजल्स। गोयल, क्या हम दूसरों की समस्या ठीक करने के लिए अपनी बॉडी पर EFT कर सकते हैं? गोयल जी, मैं कहूँगा नहीं, आप अपने ऊपर EFT करके दूसरों की समस्या ठीक नहीं कर सकते। मगर जब हम हाई लेवल पे होते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इन सभी चीज़ों की, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, हमारा लेवल बहुत अच्छा होता है, उस कंडीशन में हम कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँ कि जो पुराने रेकी के लोग हैं, जो रेकी को अच्छे से समझ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, वो अगर इस प्रकार की कोशिश करें तो शायद ये सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। मगर आम इंसान के लिए फर्स्ट टाइम में नहीं, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को मना करूँगा, कोई भी इस तरह का अभ्यास या कोशिश ना करें और अपने टीचर्स मास्टर से पूछे बिना कभी ना करें, कुछ गलत भी हो सकता है। गुरु जी, EFT की कितनी सिटिंग लेने से समस्या ठीक हो जाती है? दोस्त, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे और आप EFT कितनी देर कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जो फ़र्क पड़ता है वो तो 1 टाइम से भी फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप 5 मिनट्स भी EFT करते हो तो उसके भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। मगर आपकी प्रॉब्लम मान लो 20 साल पुरानी है और आप सोचो कि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँ, तो मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। बाकी आप दिन में 10 बार कर रहे हो तो शायद आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए। आप दिन में 1 ही बार कर रहे हो या भूल जाते हो, आपका रूटीन नहीं है, तो शायद आपको 2 महीने या 2 साल भी लग जाए। ये डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कितना प्यार करते हो, कितनी शिद्दत से, कितने विश्वास से करते हो। अगर आपके अंदर विश्वास है तो शायद आप रेकी फर्स्ट लेवल सीख के भी बहुत अच्छे काम कर सकते हो, बहुत लोगों की मदद कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में हीलिंग करके रिजल्ट्स पा सकते हो। अगर आपका विश्वास डगमगा जाता है, आपके अंदर कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है, भ्रम है, आप सोचते ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि छोटा सा काम होने में भी आपको बहुत मुश्किल आए। चंद्रशेखर जी दिल्ली से, आपके यहाँ से मैंने एंजल थेरेपी और रेकी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का कोर्स किया हुआ है, बहुत सी समस्याएं हल हुई, थैंक यू AVM। मुझे अध्यात्म में आगे बढ़कर अपनी तीसरी आँख खुली है, उससे मेरी मदद करें जैसे हमेशा करते हैं। आध्यात्मिकता में आगे बढ़कर अपनी तीसरी आँख खोलनी है, मुझे मदद करें। जी चंद्रशेखर जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर मैं यहाँ थर्ड आई और कुंडलिनी के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, बिकॉज बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। मैं सिंपल तो सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जब आपकी थर्ड आई खुलनी होती है या कुंडलिनी आपको शक्ति मिलनी होती है तो आपको सहज ही मिल जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग सालों साल अभ्यास करते हैं, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 12 सालों से थर्ड आई पे काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ।
ये डिपेंड करता है आपकी प्योरिटी पे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ, हमारी एक स्टूडेंट है जिसने रेकी मास्टरशिप का सिर्फ अट्यूनमेंट लिया, उनको कुंडलिनी शक्ति प्राप्त हो गई। आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, भावना कैसी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म हैं वो भी इस पर इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे हैं तो शायद आपकी जो पावर्स है जल्दी डेवलप हो जाए। अगर आपके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे हैं तो वो कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं आपके प्रेजेंट लाइफ के आध्यात्मिक जीवन में। पल्लवी जी बिहार से, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मेरा ध्यान भटकता है, तो आगे मैं कैसे बढ़ूं, मेरी मदद करें और आगे मुझे रास्ता दिखाएं, धन्यवाद। पल्लवी जी, यहाँ देखिए मेडिटेशन इतना बड़ा समंदर है, मेडिटेशन के बारे में जिससे भी बात करोगे सबके अपनी सोच समझ विचार होंगे। या मेरा विचार ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का रास्ता ही ये है कि जब आप मेडिटेशन पर बैठोगे तो ध्यान भटकेगा। आध्यात्म में, मेडिटेशन में, रेकी में एक गुरु का होना ज़रूरी है। जब एक गुरु की मदद मिलती है हमारा ध्यान थोड़ा जल्दी लगता है, अच्छे से लगता है। और जब हमारे सामने कोई बैठा होता है तो ऑटोमेटिकली हम आँख खोलने की ज़रूरत नहीं करते, हमें लगता है शायद डांट पड़ता है। ऑब्वियसली मैं भी अपने गुरु के सामने जब मेडिटेशन करता हूँ तो आँख नहीं खोलता, और मेरे स्टूडेंट मेरे सामने होता तो आँख नहीं खोलते, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ध्यान अच्छा लगता है। इसके अलावा ध्यान ना लगने के हज़ारों कारण हो सकते हैं। एक कारण उसका ये है कि जब हमारे दिमाग में टेंशन ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बातें दिमाग में आती हैं। हमें लगता है कि वो बातें आ रही हैं, मगर वो जो बातें हमारे दिमाग से निकल रही होती हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में 10 लाख थॉट्स हैं, तो जब आप मेडिटेशन करोगे धीरे धीरे वो सारे फालतू के नेगेटिव थॉट्स निकलना चालू होंगे, सारा स्ट्रेस टेंशन निकलेगा, आपको लगेगा मेरा ध्यान नहीं लग रहा। मगर आप उसको रूटीन से करो, आप उसको रूटीन से कम 1 महीना लगातार ध्यान करो, आप 1 महीना तो धीरे धीरे थॉट्स कम हो गए और धीरे धीरे ख़त्म हो गए और अब आपका ध्यान लगना चालू हो गया। तो वो प्रोसेस है, अगर आप उस प्रोसेस से नहीं निकलोगे तो शायद आप ध्यान ना कर पाओ। आशा जी कहती हैं, विकास जी आजकल लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं इन कोर्सेज के नाम पर, उसकी किस कोर्स की क्या फीस होनी चाहिए आपके हिसाब से? आशा जी आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ तो इतना कहूँगा कि जब भी आप कोई कोर्स करने के लिए जाएं तो एक अपने मन में ये सोच लें कि भैया आप किसी के यहाँ जा रहे हैं 1, 2 या 4 दिन के लिए, तो उसका क्या एक्सपेंस आना चाहिए, उस ज्ञान की क्या आपको लगता है कि उसने जो टाइम लगाया और जो सिचुएशन या जो सर्विसेज जो आपको दे रहा है उसका क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस होनी चाहिए। मान लो आप 1 दिन के लिए कहीं 50,000 रुपये दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस है। मगर अगर उसी चीज़ के लिए आप 2-4, 5 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो 1 दिन का एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट का 5,000 रुपये का नॉर्मल सी ये फीस मुझे लगता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग, पता नहीं 20-30-40 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने खर्चे भी निकालने हैं, उनको अपने बिजली, पानी, खाना पीना, किताबें और कितने कुछ हैं, तो नॉर्मल कही जा सकती है। और कई बार हम वहीं पर देखते हैं कि 500 रुपये फीस रख के भी कुछ कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर या तो सेवा हो सकती है या हो सकता है कि आप वहाँ 500 रुपये में जाओ आपको कुछ ना भी मिले। तो आप देखें, नॉर्मल सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। और आप अगर कहीं कम फीस देते हो और आपको कुछ नहीं मिलता तो भी अफसोस की बात नहीं, बिकॉज आपने दिया क्या है। मगर आप कहीं ज़्यादा देते हो और आपको वहाँ उतना अटेंशन नहीं मिलता या कुछ भी परेशानी रहती है, तो हो सकता है वो सोचने की एक बात है। तो मुझे लगता है कि ये नॉर्मल सी बात है, आप देख सकते हो। अगर आप किसी 5 स्टार में जाकर कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे तो 50,000 रुपये पर डे वाजिब है, बिकॉज उनका एक्सपेंसिव उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप कौन से शहर में हो, कौन सा कोर्स आप कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किससे कर रहे हो। आज की हालत तो ये है कि जब फॉरेन से कोई इंसान आता है तो उसको हम 20-30-40 हज़ार रुपये देने को तैयार हैं, बिकॉज उस पर टैग लगा हुआ है कि चाइना से है, अमेरिका से है, फलाना ढिकाना। मगर इंडियंस जो हमारे हैं, खुद ऐसे लोग ऐसे होते हैं, हम उनको फीस नहीं देते, जबकि हमें वहाँ से अच्छा ज्ञान, उस फॉरेनर से शायद ज़्यादा अच्छा ज्ञान हमें इंडिया में अपने ही लोगों से, अपने आसपास से मिल सकता है। मगर एक वही वेस्टर्न कल्चर जो है, हमें बाहर की सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है दोस्तों, ये आप खुद अपने आप एनालाइज करो, क्योंकि सबका जो मीटर है, सबका तराजू अपना अलग होता है, अपने हिसाब से आप गेस कर सकते हो कि क्या फीस होनी चाहिए।
जी नमस्ते सर जी। सर मैंने किसी संस्थान से एंजल का कोर्स किया था, मुझको एंजल फील नहीं हो रहे, मुझे सॉल्यूशन बताएं। जैनी मॉरिशियस से, वाह जी वाह, मॉरिशियस से सवाल आया मेरे पास। यहाँ पे मैं बताऊं कि आपने एंजल थेरेपी किया था। देखिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आपने उससे पहले रेकी सीखी या नहीं सीखी, आप अध्यात्म में पहले से थे या नहीं थे, या आपने जाते ही आपने कहीं सुना एंजल थेरेपी, आपने जाके सीख लिया, आपको रिजल्ट नहीं आया। बिकॉज दोस्तों मैं भी लोगों को एंजल के लिए, मेरे पास इतनी इंक्वायरीज आती हैं मगर मैं सबको अलाउ नहीं करता। मैं 100 लोग एंजल पूछता था, उसमें से 5 या 10 लोगों को बुला के हम कोर्स कराते हैं, वो भी वही लोग जो पहले से एंजल से जुड़े हुए हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, रेकी से, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं। उसका रीज़न यही है कि मुझे कोई आके ये ना बोले कि मैंने एंजल थेरेपी सीखा और मुझे फील नहीं हुआ। और दूसरी बात, अब जहाँ आपने एंजल थेरेपी सीखा, उन्होंने आपको कुछ होमवर्क दिया या नहीं दिया, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस बताई या नहीं बताई, इवन कि एंजल्स में उन्होंने क्या कुछ सिखाया। बिकॉज मैं कुछ दिन पहले बैठा नेट पे ऐसे रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा लोगों ने एक ही कोर्स को कई नामों से अलग अलग लेवल्स बना दिए। किसी ने एंजल रीडिंग का अलग कोर्स बनाया हुआ है, एंजल कार्ड रीडिंग का अलग कोर्स बनाया हुआ है, एंजल कनेक्शन का अलग कोर्स बनाया है, एंजल क्रिस्टल का अलग कोर्स बनाया है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा एक ही कोर्स है जिसमें हम लगभग मैक्सिमम नॉलेज आपको दे देते हैं। उसमें एंजल रीडिंग भी बता देते हैं, कार्ड रीडिंग भी बताते हैं, कनेक्शन भी बताते हैं। हमारा 2 दिन का अच्छा खासा वो कोर्स होता है जिसमें हम लगभग सारा ज्ञान देते हैं। अब आपने कहाँ से क्या सीखा, कितना सीखा, मुझे नहीं पता। आप एक बार हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें, उनसे बात करें, उस तरफ उस हमारी टीम से जब आप बात करेंगे तब हम शायद आपको कुछ हेल्प कर पाएँ, शायद हम आपको होमवर्क बता पाएँ या कुछ टिप्स दें जिसकी मदद से आप एंजल से कनेक्ट हो पाएँ। अभी तो सिर्फ इतना बोलूँगा, मेडिटेशन रेगुलर करें, एंजल्स आपके साथ ही हैं, बस आपकी आंखें बंद हैं, आपके कान बंद हैं, शायद आप इसलिए उनको देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, आप शायद उस चित में नहीं है, उस मूड में नहीं है कि आप उनको सेंस कर पाए। ममता जी पंजाब से, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स में क्या डिफरेंस है? ममता जी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स में डिफरेंस छोटे छोटे बहुत से हैं। देखिए जब ऑफलाइन कोर्स होता है, ऑफलाइन कोर्स जब हमारे सेंटर में होता है या जब हम पंजाब में जाते हैं तो होता है, ठीक है। अब आप ये समझें कि जब वो कोर्स होगा ऑफलाइन वाला, तो एक फिक्स टाइम पे होगा, फिक्स डेट होगी, टाइम लिमिट होगा, 9 to 5 कोर्स होगा, इस डेट को होगा, इस दिन होगा, इस जगह होगा, इस वेन्यू पे होगा, है ना। तो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह आप और हम सेम टाइम पे फ्री हों। हो सकता है जिस दिन आप फ्री हैं उस दिन हम बिजी हैं तो कोर्स नहीं हो पा रहा, या जहां हम आपको कोर्स के लिए बुला रहे हैं दिल्ली में तो आप नहीं आ पा रहे, ठीक है। इस सिचुएशन में आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्स में होगा ये कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कभी भी कहीं पे भी कैसे भी, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, दूरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और वो भी कभी भी। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेट पे सेम टाइम पे साथ बैठना है, इवन कि हम आपको उसमें एक पूरा पैकेज बना के देते हैं, पूरा उसमें वीडियोस, पूरा कोर्स, पूरा कंटेंट, इवन कि हमारी तरफ से बुक्स होती हैं, और लगभग जितना भी सामान यूज़ का होता है, आपको समझाने के लिए ज़रूरी होता है, वो सारा सामान आपको देते हैं। एक यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, एक लिंक देते हैं, उसमें जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हो। जैसे आप मेरी बातों से बहुत कुछ सीख रहे हो, अभी भी समझ रहे हो, ऐसे उन वीडियोज़ से आप पूरा एंजल थेरेपी का कोर्स से देख लेते हो। इवन की जो कोर्स यहाँ होता है उसकी भी वीडियोस हमने बना के उसमें डाली है कि आपको पता चले यहाँ पे कैसा कोर्स होता है, यहाँ के कोर्स में हम क्या कराते हैं, ठीक है। तब उसको देख के कर सकते हो। और एक एनलाइटमेंट की बात आती है जिसके लिए हम आपको फिक्स टाइम देते हैं कि आपको इस दिन 1 घंटे का टाइम निकालना है और मेडिटेशन करना है, उस दिन उस समय हम यहाँ बैठ कर आपको एनलाइटन करते हैं। अगर आप सेंसिटिव हो तो उस समय भी आपको बहुत से अच्छे अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं एंजल्स के। मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, मुझे पैसों की तंगी है, क्या आप मनी वर्कशॉप करा के मुझे कोई लाभ होगा? दीपक जी हरियाणा से, दीपक जी मनी वर्कशॉप से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, इवन कि बहुत से छोटे छोटे टिप्स हैं, उन छोटे छोटे टिप्स की मदद से आप पैसों को आकर्षित कर सकते हो, आप पैसों की साइंस सीख सकते हो। आपको पता चल सकता है कि पैसा भी एक एनर्जी है, पैसे को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और इसका फायदा सभी को होगा। अब मैं यहाँ मनी की बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ या बच्चों के स्टूडेंट वर्कशॉप की बात करूँ या EFT वर्कशॉप की, दोस्तों सिर्फ सीखने से कभी लाभ नहीं होता,
लाभ होता है जो सीखा है उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने से। अभी हमने यहाँ पे 40 लोगों का मनी वर्कशॉप किया था, उन 40 लोगों में से मुझे पास 12-13 लोग आए जिन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपकी दी हुई सारी बातों को सुना और प्रैक्टिकल्स किए तो मुझे फायदे हुए, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे 5 लाख का कोई कोर्स कर लो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद 500 वाले कोर्स से भी आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन फेसबुक से लेते हैं। सुमित जैन जी कह रहे हैं, विकास सर कुंडलिनी शक्ति कैसे प्राप्त होती है? सुमित जी मैं फिर बताऊं, बहुत गहरा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुंडलिनी शक्ति के बारे में फिर भी यही बताऊंगा कि पहली बात तो हर एक को मिलती नहीं है, करोड़ों में से कोई खुशकिस्मत होता है, कोई बहुत लकी ही इंसान होगा जिसको प्राप्त होगी, जिसको प्राप्त होनी होती है ना, उसको मेडिटेशन करते करते, रिकी करते करते, एंजल थेरेपी में बैठे बैठे भी प्राप्त हो जाती है। कई बार हमें उसके लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, कई बार कुछ प्रैक्टिस करने के बाद वो प्राप्त होती है, मगर गारंटी नहीं है कभी भी। आप अगर देखो तो बहुत से संत संन्यासी महापुरुष सालों से लगे हैं प्रैक्टिस में, उनको भी प्राप्त नहीं हुई, मगर मैं अपनी लाइफ में ऐसे ज़्यादा नहीं 100 से ऊपर लोगों को जानता हूँ जिनको भगवान ने ये शक्ति दी, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये शक्ति दी और भगवान ने वापस भी ले ली। तो आपकी इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या छोटे बच्चे भी रेकी सीख सकते हैं? बिल्कुल, छोटे बच्चे रेकी सीख सकते हैं, जो बच्चा समझ सकता है वो रेकी सीख सकता है। मैंने अपने इंस्टीट्यूट में 7-8 ईयर्स की छोटी बच्ची तक को रेकी सिखाया है और 100 साल के बुजुर्ग को भी रेकी सिखाया है। कोई भी रेकी सीख सकता है, बस वो समझ पाए, ठीक है। और मान लो उसको समझने में थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं स्लो होते हैं, थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, उनको भी अगर वो मेडिटेशन दे दी जाए, सेल्फ हीलिंग उसको फॉलो करें तो वो भी ठीक से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे उनको पूरा समझ ना भी आए तब भी वो अपने लिए बेनिफिट ले सकते हैं, और दूसरों को हीलिंग करने के लिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। दूसरों को हीलिंग करने के लिए कम से कम 9-10 साल का बच्चा होगा आसान रहेगा, मगर 7 साल का बच्चा शायद खुद की हीलिंग अच्छे से कर सकता है, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने छोटे बड़े काम के लिए, अपनी कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम बुखार है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसके लिए ईजीली रेकी कर सकता है। रूबी जी कहती हैं, क्या रेकी में कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट भी होते हैं? रूबी जी, अकॉर्डिंग टू मी रेकी में कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होता, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। होता क्या है कि कई बार हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं होती, हम गलत नॉलेज से गलत काम कर रहे होते हैं तो गलत हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी सेफ्टी रखेंगे, प्रोटेक्शन बनाएंगे, प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे, आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करेंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला। मगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, आप अपने आप में मैं आ गए हो, आप गुरुओं को याद नहीं कर रहे, आपने क्रिस्टल्स नहीं पहने, अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखा, या जो रेकी में आपको सिखाया गया उसको फॉलो नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूर कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेकी जब सीखा और इतने बड़े बड़े काम किए, बिकॉज उनको भगवान पे विश्वास था, उनकी इंटेंशन प्योर थी। इंटेंशन प्योर नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जो सिखाया उसको फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है। वैसे रेकी में कोई, मैं आपके सामने इतने सालों से रेकी कर रहा हूँ, सही सलामत बैठा हूँ, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेकी से गंदगी बाहर निकलती है, कुछ लोग उसको इफेक्ट मानते हैं या उसको नेगेटिव मानते हैं, जब गंदगी बाहर निकलती है तो हम प्योर हो रहे हैं, वो साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग इसी मिथ्या में हैं कि मैं रेकी सीखे मैं बीमार होता, बीमार नहीं हुए, गंदगी निकल रही है। गुरु जी नमस्कार, मैंने एक माला का प्रयोग किया था, उसकी वजह से मैं बीमार पड़ गया और मुझे डरावने सपने भी आने लगे, असली और नकली में फ़र्क कैसे करूं, कृपया बताएं। समिता जी फेसबुक से। जी समिता जी, मैं आपको बताऊं, क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल्स में आज इंडिया में मैक्सिमम नकली आ रहे हैं, मिक्सिंग आ रही है, या ऐसे क्रिस्टल्स आ रहे हैं
जिन क्रिस्टल्स को शायद आप पहचान भी ना पाओ, कुछ चाइना से क्रिस्टल्स आ रहे हैं, जिन क्रिस्टल्स को देखोगे तो आप बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगे और शायद जो पुराने लोग हैं वो भी समझ ना पाए कि असली है नकली है, ठीक है। तो अगर नकली क्रिस्टल लोगे तो उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान के लिए नहीं कह रहा मैं, ठीक है, मगर नुकसान इस सिचुएशन में हो सकता है अगर वो क्रिस्टल किसी ने किसी गलत काम में या तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करके किसी को दे दिया, या वो क्रिस्टल कहीं नेगेटिव जगह पड़ा था, नेगेटिव घर में पड़ा था, बीमार लोगों के बीच में पड़ा था और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, या आपने क्रिस्टल को नहीं क्लीन चार्ज किया, धोया, प्रोग्राम किया। तो मान लो आपने क्रिस्टल पहना है और आप काफ़ी दिनों से स्ट्रेस में टेंशन में हो, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी उस क्रिस्टल में चले जाती है। ऐसे में क्रिस्टल धो के क्लीन चार्ज करके आप पहनोगे तो आप ठीक हो जाओ, ठीक है। क्रिस्टल की साइंस बहुत बड़ी है, मगर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि क्रिस्टल्स को क्लीन चार्ज करके पहनो। और क्रिस्टल चेक करने का सिंपल सा माध्यम है, अगर आप थर्टी में है तो आप उसको पकड़ोगे, आप 2 मिनट मेडिटेट करो या कोई मंत्र जाप करो, आपको उसकी वाइब्रेशन से पता चल जाएगा। अगर अच्छी वाइब्रेशन है तो क्रिस्टल बहुत अच्छा है। कई बार उसको पकड़ के इरिटेशन आती है, अच्छा नहीं लगता, तो शायद डाउट है तो नकली हो या ख़राब हो। सूरज जैसलमेर से, रेकी से डिप्रेशन को भी हील किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सूरज, बिल्कुल। रेकी से डिप्रेशन, जो मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो रेकी से डिप्रेशन बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से ठीक हो जाता है। मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है, दिमाग की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम रेकी से सबसे ज़्यादा जल्दी ठीक होती है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हमारे एक ऐसे स्टूडेंट है जो हीलिंग्स करते हैं, तो जो वीज़े की प्रॉब्लम्स होती है उसमें वो महारत हासिल है, वो हीलिंग करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हमारी एक ऑफिस में ही हीलर है, वो हीलर जब रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं देखता हूँ कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम या माइंड की प्रॉब्लम होती है, मैं हीलिंग करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया हो सकता है कि मेरी एनर्जीज उसमें ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रही है, ठीक है। आप रिकी से कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है, मगर जैसे कोई इंसान परफेक्ट होता है ना, कोई कंप्यूटर में परफेक्ट है, कोई इंसान बिजली के काम में परफेक्ट है, तो हम काम सभी कर सकते हैं, मगर जिस काम में शायद रुचि है, इंटरेस्ट है, या हमारे कनेक्शंस अच्छे हो जाते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं हमारे उस जगह। राजेंद्र जी पूछ रहे हैं फेसबुक पर, सर मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है और अपने कर्मों को ठीक करना है, कैसे करूं? राजेंद्र जी एक बात कहूँ, अगर आपने पिछले कर्मों को सही करना है तो मैग्नीफाइड हीलिंग सीखो। मैग्नीफाइड हीलिंग से आपके जितने भी कर्म है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो रिलीज होती है, वो ठीक होती हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, आपके कार्मिक इशू ठीक हो जाएंगे और आपकी लाइफ आगे तरक्की करेगी, ठीक है। मगर आप अगर पास्ट लाइफ देखना चाहते हो तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स या आपको सेशन करना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। दोनों अलग चीज़ें हैं। पास्ट लाइफ देखने से ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉल्यूशन मिले, रिजल्ट मिले और ठीक ही हो, बिकॉज़ कई बार पास्ट लाइफ में देखते हैं और वहाँ पे सॉल्यूशन आता है, भगवान कहते हैं, एंजल कहते हैं ये ठीक नहीं होगा, ये 6 महीने बाद होगा, कभी कोई उपाय भी नहीं मिलता। मगर मैग्नीफाइड हीलिंग करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक जो इशू है, दोष है, वो क्लियर होने, रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हमने बहुत से सवाल आज लिए एक सेशन में, लगभग 1 घंटे के आसपास आपने मुझे साथ दिया और मैं आशा रखता हूँ कि आप इन सभी सवालों से संतुष्ट हुए होंगे और आप सभी भाइयों बहनों के सवाल का जवाब देके मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने इंटरेस्टेड हैं, आप इतना सब कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आध्यात्म से। दोस्तों इस प्रकार के अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें, हम जल्दी एक नई वीडियो आपके लिए लाएंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। हम कमेंट में भी लिख के आपको सवालों का जवाब देंगे, स्पेशली इस तरह की वीडियोस के माध्यम से भी आपके सवालों का हम जवाब देंगे। हमारी तरफ से जो मदद हो सकेगी हम आपकी करेंगे। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप सभी लोग अध्यात्म से जुड़े, आप सभी का आध्यात्मिक विकास हो, आप भी रेकी सीख के रेकी की पावर्स को जान पाए, रेकी की पावर्स को समझ पाए, आप भी एंजल्स को अपना दोस्त बनाए। और जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड आपके हर काम के लिए आपके साथ आता है, आपको मदद करता है, ऐसे एंजल्स की आप मदद ले पाए, आपके भी सारे काम बने। दोस्तों आज आपसे यहाँ मिल के मुझे बहुत खुशी हुई, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद दिल से, थैंक यू सो मच, थैंक यू।